टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद बदला वर्ल्ड कप 2023 का पॉइंट टेबल। पाकिस्तान की टीम को लगा करारा झटका तो भारतीय टीम बनी नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मुकाबले के बाद अब पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरी पॉइंट टेबल इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण व साथ ही हम आपको बताएंगे कि अब कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आखिरी पायदान की टीम की बात करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने दो मुकाबले खेले हैं जिनमें से इन्हें दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इनकी नेट रेट भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा माइनस में, जो कि -1.907 है। इस टीम को बचे हुए अपने 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही यहाँ पर नेट रेट को भी थोड़ा बेहतर करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 टीम की, तो यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अब तक अपने दोनों मुकाबले ये टीम गंवा चुकी है, जिसके चलते 2 में से 2 हार हैं इनके पास। पॉइंट का खाता अभी तक नहीं खुला है, जबकि नेट रेट भी -1.846 है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 7 में से 6 मुकाबले तो जीतने ही हैं, साथ ही साथ नेट रन रेट भी बेहतर करनी होगी। इसके बाद नंबर 8 टीम की बात करें तो यहां पर भी नीदरलैंड की टीम मौजूद है। इन्होंने भी अपने 2 में से 2 ही मुकाबले हारे हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो इनकी -1.800 है। फिलहाल देखा जाए तो नीदरलैंड की टीम अपने बचे हुए अगर 7 में से 6 मुकाबले जीती तो जरूर सेमीफाइनल की रेस में आ जाएगी, लेकिन ये टीम चाहेगी कि कहीं एक से एक दो मुकाबले जीता जाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 7 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है श्रीलंका। श्रीलंका का हाल भी इस बार वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं रहा है। अब तक शुरुआती 2 में से 2 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है, और साथ ही नेट रेट की बात की जाए तो -1.161 है। इनके लिए भी आगे की राह आसान नहीं है। वहीं पर नंबर 6 की बात करें तो यहां पर बांग्लादेश की टीम मौजूद है। बांग्लादेश ने 3 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता है, जबकि 2 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.699 है। ये टीम चाहेगी आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस करके अपने बचे हुए अब 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीतने की तरफ आगे बढ़ेगी, तो कुछ यहाँ पर कमाल हो सकता है पॉइंट टेबल में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 5 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड मौजूद है। इंग्लैंड ने भी 2 मुकाबले खेले जिनमें से 1 मुकाबला जीता है, जबकि 1 मुकाबला हारा है। इनके पास फिलहाल 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.553 है। यानी कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम अभी भी अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीत जाती है तो भी ये पॉइंट टेबल में टॉप 4 की तरफ आगे बढ़ सकती है। साथ ही इनकी नेट रन रेट जो कि प्लस में है, इसे इन्हें बरकरार रखना होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 टीम की तरफ, तो यहाँ पर मौजूद है अब पाकिस्तान, जो कि अपना पहला मुकाबला आज हार चुकी है। पाकिस्तान की टीम के अब 3 में से 2 जीत हैं, जबकि 1 हार है। इनके पास फिलहाल 4 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो इनकी -0.137 हो चुकी है। यानी कि माइनस में इनकी नेट रन रेट चली गई है टीम इंडिया के सामने करारी शिकस्त के बाद। वहीं पर अब पाकिस्तान की टीम को अपने बचे हुए 6 में से 4 मुकाबले जीतने हैं। अगर ऐसा करने में ये कामयाब होते हैं तो फिर पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 टीम की बात की जाए तो यहाँ पर अब साउथ अफ्रीका खिसक चुकी है नंबर 3 पर। इनके पास 2 मुकाबलों में 2 जीत हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका के पास 4 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट भी +2.360 है, जो कि अब तक की सभी टॉप 10 टीमों में से इनकी सबसे बेहतरीन नेट रन रेट है। एक मुकाबला और जीते ये टॉप पर चले जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो ये टीम भी प्लेऑफ की रेस में काफ़ी आगे हैं। तो वहीं पर नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। न्यूजीलैंड ने अब तक 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं। इनके पास फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट +1.604 है, लेकिन आज भारतीय टीम की जीत के बाद ये नंबर 1 से नंबर 2 पर खिसक चुके हैं। लेकिन ये टीम अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से अगर 3 मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 1 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर अब टीम इंडिया नंबर 1 पर पहुँच चुकी है। भारत ने भी अपने 3 में से 3 मुकाबले जीतकर
पॉइंट टेबल में शानदार तरीके से टॉप पर पहुंची है। फिलहाल भारतीय टीम के पास 6 पॉइंट है जबकि नेटरनेट प्लस 1.821 है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी शानदार नेटरनेट के साथ टीम इंडिया टॉप पर पहुँच चुकी है अब। लेकिन अब भारतीय टीम को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने होंगे प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए, या यूं कहें तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन टीम इंडिया इस बार सेमीफाइनल में तो पहुंचेगी, साथ ही यहां पर उम्मीद करते हैं कि वो टॉप पर भी बनी रहेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें पहुंच रही है सेमीफाइनल में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।